नमस्ते दोस्तों, मेरे किचन की दुनिया देसी फ्लेवर्स में यारुसी में आपका स्वागत है। आज का जो डिश है वो आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं और रात के डिनर में भी बना सकते हैं, और इसके साथ आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रेसिपी ध्यान से देखिएगा, और रेसिपी देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए हमें चाहिए प्याज, तो यहाँ पर मैंने 4 प्याज लिया है। इस प्याज के छिलके हमें निकाल देने हैं। निकाल लेने के बाद से इसको हमें अच्छे से धो लेना है। तो चलिए इसको हम धो लेते हैं एक बोल में रख के। तो यहाँ पे मैंने सभी प्याज को बोल के अंदर रख लिया है। रख लेने के बाद से इसे हम अच्छे से हाथों से मल के पानी से हम धो लेंगे। धो लेने के बाद से इसको हमें कट करना है। किस तरीके से कट करना है चलिए आइए एक बार आपको दिखा देती हूँ। हमें प्याज लेना है और प्याज को इस तरीके से बारीक काटना है, जिस तरीके से हम सब्जी में काट के यूज़ करते हैं ना, उसी तरीके से सभी प्याज को हम एकदम से बारीक काट लेंगे। बारीक काट लेने के बाद से इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद से हम इसको क्या करेंगे, इसमें साइड में हम इसको रख देंगे। अब इसमें हमें थोड़ा सा मिर्च चाहिए, तो चलिए हम मिर्च भी काट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4-5 मिर्च लिया है। मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा ले तो यहाँ पे मैंने 4-5 मिर्च लिया है। मिर्च को भी एकदम से हमें बारीक कट कर लेना है, तो चलिए इसको भी हम कट कर ले। इसके साथ एक चीज़ और चाहिए जिसको हमें कट करना है, क्या वो वीडियो देखते रहिए आपको पता चलेगा। यहाँ पे मैंने मिर्च को साइड कर लिया। अब इसके साथ हम थोड़ा सा धनिया पत्ता लेंगे। धनिया पत्ता बहुत ज़रूरी है, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता ले लिया है। धनिया पत्ता को भी हम बारीक एकदम से बारीक काट लें। तो धनिया पत्ता को भी हम कट करके साइड में रख लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्याज के अंदर स्वाद अनुसार नमक ले लेना है, साथ में थोड़ा सा अजवाइन ले लेना है, अजवाइन जिसको बोलते हैं, साथ में थोड़ा सा मंगरेल ले लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा एकदम हल्का सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब इन सबको डालने के बाद से हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से प्याज के साथ मिक्स हो जाए। इसमें हम हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया था ये थोड़ा तीखा और चटपटा बनता है। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। अब इसमें हम ऊपर से कटी हुई धनिया के पत्ते को डाल देंगे। बस हमारा ये जो स्टफिंग है वो रेडी हो चुका है। इसमें थोड़ा सा तेल डाल के हम बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा अच्छे से मल मल के इसको हम एकदम अच्छे से तेल के साथ मिक्स कर लेंगे। ये एकदम से तैयार हो चुका है। अच्छे ये इसके लिए हमें थोड़ा सा आटा चाहिए, तो चलिए आटे को पहले हम गूंद लेते हैं। आटे में भी कुछ चीज़ें हमें ऐड करना है, क्या चलिए मैं बता देती हूँ। पहले तो हम एक बोल के अंदर 2 कटोरी आटा ले लेंगे। आपको जितना आटा चाहिए आप उतना ले लीजिए। इसके बाद से इसमें हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। चीनी और नमक ज़रूर डालिएगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसमें अच्छे से चम्मच से मिक्स करके इसमें हल्का सा मोयन के लिए हमें तेल डालना है। हमने यहाँ पे रिफाइन तेल लिया है, आप चाहे तो इसमें घी का यूज कर सकते हैं। तेल डाल लेने के बाद से हमें हल्का हल्का पानी डाल के इसको गूंद लेना है। आप हल्का हल्का ही पानी डाल के गूंदे, नहीं तो क्या होगा कि ये गीला हो जाएगा। गीला तो एकदम ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको गूंदना स्टार्ट कर दिया है। लगभग लगभग 5 मिनट के लिए इसको दोनों हाथों का यूज करके आप अच्छे से गूंदे। जितना अच्छा आटा गूंदेगा पराठा हमारा, उतना ही बहुत ही अच्छा से टेस्टी होगा। यहाँ पे मैंने आटा को गूंद लिया है। अब चलिए इसका हम स्टफिंग करते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा सूखा आटा चाहिए। इसमें थोड़ा सा साइड में रख लेंगे आटा। अब इस तरीके से, जिस तरीके से हम लोई लेके पूरी बनाते हैं, आलू का पराठा बनाते हैं, बस उसी तरीके का लोई ले लेना है। अब इसको हम इस तरीके से बहुत बड़ा नहीं बेलेंगे, पहले छोटा छोटा बेलेंगे। ये देखिए इतने ही आकार में आपको बेलना है। अब इसके ऊपर हमें वो जो प्याज हमने तैयार करके रखा है उसको डालना है। ज़्यादा ज़्यादा लेके डालें, और प्याज को डाल देने के बाद से इसको हम थोड़ा सा हाथों से क्या करें, फैला लेंगे। ये देखिए मैंने इसको रख दिया। अब इसको हाथों से इस तरीके से फैला लें, और ठीक इसी साइज़ का मैंने दूसरा एक बेल के रखा था रोटी, तो उसको उसके ऊपर डाल देंगे। डालने के बाद से हम एक कांटा चम्मच लेंगे और कांटा चम्मच के सहारे इस तरीके से दबा के इसको बंद कर लेंगे। इससे देखने में भी अच्छा लगेगा और ये अच्छे से बंद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कांटा चम्मच के सहारे से इसे बंद कर दिया। बंद कर लेने के बाद से अब इसको हम हल्का सा बेल लें। हल्का सा चाहे तो ऊपर से सूखा आटा छीट दें, उसके बाद से इसको हम हल्के हाथों से बेल लें। बेल लेने के बाद से जिस तरीके से हम पराठे को सेकते हैं, हमें बिल्कुल उसी तरीके से इसको सेकना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, ज़्यादा पतला कीजिएगा तो ये फट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से बेल लिया। अब चलिए हम दूसरी तरफ, तवा मैंने पहले ही गैस पे गर्म कर लिया है। तवा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हल्का सा हम घी डाल देंगे। घी को फैला लेने के बाद से हम इस तरीके से पराठे को इसके ऊपर डालेंगे। अब बस मीडियम फ्लेम पे हमें पराठे को सेकना है, बीच में हमें घी इस पे लगाते रहना है। इसी प्रोसेस से आप ये प्याज का पराठा बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। इसके साथ आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे ऐसे ही खा लेंगे।
तो अगर आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस बार आप यही पराठा बना के ट्राई कीजिएगा। इसके साथ आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठंड में तो आपने गोभी के पराठे, मूली के पराठे बनाए हैं, तो गर्मियों में एक बार ये प्याज का पराठा बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पर मैंने दोनों साइड से घी अच्छे से लगा दिया है। लगा लेने के बाद इसे हम उलट पुलट करके अच्छे से सेक लेंगे। सेक लेने के बाद ये देखिए इसका कलर भी बहुत ही प्यारा लगने लगेगा और हमारा पराठा बिल्कुल से बन के तैयार हो चुका है। चलिए अब इसको हम निकाल के साइड करके रख लेते हैं। बाकी के जो पराठे हैं बस सेम प्रोसेस से हमें उसी तरीके से बेल लेने हैं और सबको एक एक करके हम क्या करेंगे, इस तरीके से घी लगा के सेक लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी को सेकना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैंने सभी को एक एक करके सेक के रख लिया है। तो हमारा पराठा बिल्कुल से बन के रेडी हो चुका है। इसको आप चाहे तो अचार के भी साथ खा सकते हैं या आप दही के साथ खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको मीठी मीठी सेवई के साथ लिया है जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो ये रहा हमारा पराठा बिल्कुल से बन के रेडी हो चुका है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मेरा वीडियो शेयर कीजिए, मेरा वीडियो लाइक कीजिए। मैं तो चली खाने। यहाँ पे मैंने एक कटोरी मीठी सेवई ले ली है, पराठे ले लिए हैं, अब बस मैं चली खाने। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो शेयर कीजिए। बाय बाय।